नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बिहार LRC बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों किरण प्रकाशन का ये बुक है और बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। लिपि के एग्जाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो भर्ती अभी निकली हुई थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है और प्रैक्टिस वर्क बुक है। यहाँ पे 20 सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम पैटर्न जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित, इसमें देखिएगा 150 क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन के 50, गणित के 50 और रीजनिंग के 50 है, ठीक है। तो पूरे एग्जाम पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया गया है। इस बुक का जो MRP है दोस्तों 325 रुपये MRP है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखेंगे इस बुक में नंबर ऑफ पेज अगर देखें तो 384 पेज है, ठीक है। और बुक के कंटेंट को दोस्तों देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये किरण प्रकाशन का बुक है और इस बुक को अगर आपको परचेज करना होगा तो बुक का कोड यहाँ लिखा है 4205, इस कोड को देख के आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि बिहार, यहाँ पे बेसिक जानकारी दिया गया है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, लिपिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट के साथ 20 प्रैक्टिस सेट के साथ है, आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 325 रुपये MRP है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, न्यू एडिशन है बिल्कुल 2023-24 का। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहले इस बुक में आपको करंट अफेयर कवर किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी हो गया इस एग्जाम से रिलेटेड, करंट अफेयर, केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण भी कवर किया गया। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित, सामान्य अध्ययन, गणित और मानसिक रीजनिंग का सेट 1, इसी तरह से सारे सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे टोटल 20 सेट आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में इसे एग्जाम के बारे में कुल जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि कितने वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में थी और कौन सा एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट के साथ साथ सारा जानकारी आपको, डिटेल सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, गणतंत्र दिवस हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड हो गया, या सारा कुछ आप इस बुक में दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। जितने सारे कुछ करंट अफेयर के टॉपिक, केंद्रीय बजट 2023-24 से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ कवर किए गए हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखेंगे उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण। उसके बाद यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू होता है, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट में एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया। देखिए सबसे पहले सामान्य अध्ययन है पहला सेक्शन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस बुक को देखने के बाद आपका तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा 1972 में शिमला समझौते पर सिग्नेचर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपको 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा गणित वाला सेक्शन यहाँ शुरू होता है और गणित के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपको गणित के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन का आंसर की देखने को मिलेगा। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ दोस्तों देखिएगा GK के क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बुक को पढ़ने के बाद आपको दोस्तों। इस बुक को आप परचेज़ कीजिए, बुक में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स वाले भी क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप से बताया गया, बिल्कुल ईजी मैथड से बताया गया, आप आसानी से इनके सॉल्यूशन को मैथ्स के समझ सकते हैं, ठीक है। GK का भी क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के बाद रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू होता है, तो रीजनिंग के भी सॉल्यूशन दोस्तों बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, टोटल 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसी तरह आपको आगे भी सेट्स आपको देखने को मिल जाएगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे और आसानी से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। कंप्लीट सिलेबस को इस बुक के अंदर कवर किया गया है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस बुक को बनाया गया है
और इस बुक को अगर आप बना लेते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। और किरण पब्लिकेशन के बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं सारे एग्जाम के लिए और बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक होते हैं, तो इनके बुक को ज़रूर आप परचेज कीजिए दोस्तों, बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो इस बुक को दोस्तों ले सकते हैं, टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है इस बुक के अंदर, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, बिहार का द्वितीय राज्य भाषा कौन सा है, दोहा राजधानी किसकी है, बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी होती है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिलेगा और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कौन सा है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दोस्तों देखने को मिलेगा। मैथ्स में भी सारे टॉपिक को कवर किया गया है, बिल्कुल परफेक्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए इस बुक के माध्यम से, ठीक है। एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किरण पब्लिकेशन के और भी बुक के बारे में, हम बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये खान सर के कुछ बहुत ही फेमस बुक है, सभी के सभी एनसीईआरटी पे आधारित हैं। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से बुक आता है, सार संग्रह आता है, सीएसएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, ये तीनों एग्जाम के लिए सार संग्रह आता है खान सर का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होता है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। और ये सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का बुक है, जिसमें जीके जीएस को बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर कवर किया जाता है, एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। स्टैटिक जीके के लिए ये बुक दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद भारत का मानचित्र हो गया, भारत का भूगोल हो गया, ये भरत लाल का एक बुक आता है जिससे आप ज्योग्राफी, भारत के ज्योग्राफी को आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये बुक आता है सामान्य विज्ञान, ये एनसीईआरटी पर आधारित है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का शौक है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो और ये दोस्तों एक और बुक आता है, ये इंग्लिश ग्रामर का आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, आप इसे लीजिए, बेसिक ग्रामर का जो होता है ना वो आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी ग्रामर आपसे पूछा नहीं जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाया गया बहुत अच्छे तरीके से, तो इन सभी बुक को आप दोस्तों ले सकते हैं, बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, इन दोनों इसके बुक का मैंने इस बुक का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंग्लिश मीडियम में भी अगर ये बुक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम का तो लिंक मैंने दे ही दिया है, तो वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।